महाराष्ट्र में सियासी तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। उपचुनाव की तैयारियों में इस समय उद्धव की शिवसेना पूरी तैयार नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ शिंदे ने जो कदम पीछे करे उसको देखकर हर कोई दंग है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी और मजबूत करती नजर आ रही है विधायकों के बीच, और ये सचमुच एक बहुत बड़ा झटका एकनाथ शिंदे के लिए हो सकता है। दरअसल राजनीतिक समीकरण शायद आपकी समस्या भी समय परे हो, लेकिन आपके लिए आसान कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और यहाँ पर जानकारी दे महाराष्ट्र में कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का फायदा उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये हमारा नहीं बल्कि उद्धव की शिवसेना का कहना था, एनसीपी का कहना था, कांग्रेस का कहना था और तमाम राज्यों की विपक्षी पार्टियों का कहना था कि शिंदे को यूज एंड थ्रो के रूप में देखा जा रहा है, उनका इस्तेमाल होगा और उन्हें फेंक दिया जाएगा। अब समझने की कोशिश करिए, यही बात का जवाब एक विधायक बच्चू कडू ने दिया था। प्रहार जनशक्ति पार्टी के वो नेता मुखिया हैं और उनके समर्थन में दो विधायक भी हैं, यानी कि अच्छा खासा समर्थन अगर महाराष्ट्र में देखा जाए। राज ठाकरे की पार्टी से तो मजबूत ही नजर आए विधायकों के तौर पर, लेकिन बच्चू कडू को चाहिए यहाँ पर कैबिनेट में जगह और उनको मंत्री पद अभी तक नहीं मिला। निर्दलीय विधायक होने के साथ साथ उन्होंने समर्थन दिया था एक नाथ शिंदे की और बीजेपी की सरकार को, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार को लेकर कोई चर्चा हो नहीं रही। और उनको यानी बच्चू कडू को, जो कि एक आक्रामक नेता जाने जाते हैं, उन्होंने ये बातें पहले ही साफ कर दी हैं कि शिंदे का जो गुट है उनके बिना भी भारतीय जनता पार्टी इस महाराष्ट्र में अपनी सरकार चला सकती है। और कई नेताओं ने यह भी कह रखा है कि आने वाले वक्त में फडणवीस की वापसी सीएम पद पर होगी। और ये भी आपको बता दें, बच्चू कडू की पार्टी के कई समर्थकों को ऐसा लगता है कि अगर आज नहीं उनको कैबिनेट में जगह मिली तो 2.5 साल बाद जब बीजेपी अपने दम से सरकार बनाएगी तो वहां पर उनको जगह मिल जाएगी उस कैबिनेट में। अब दरअसल समझने की कोशिश करिए, 145 विधायकों का समर्थन शिंदे और फडणवीस का बनता है, यानी कि 105 करीब विधायक बीजेपी के पास बताए गए थे, 39 करीब विधायक यहाँ पर शिंदे के पास बताए गए थे, टोटल 144 का ही आंकड़ा बनता, लेकिन 106 बीजेपी के पास जब 2019 चुनाव जीता था तब था। तो ऐसे में 145 यानी बहुमत का आंकड़ा बनता है यहाँ पर महाराष्ट्र में, और 10 से 12 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया था, तब जाके ये आंकड़ा फ्लोर टेस्ट में 164 का पहुंचा था, याद होगा आपको। तो इसी बीच बच्चू कडू ने भी ये बात कही थी कि अगर यहाँ पर शिंदे गुट समर्थन भी ना देना तो निर्दलीय विधायकों को इतने लाके खड़ा कर दूंगा कि बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से ये सरकार चलती नजर आएगी। शिंदे गुट से नाराज है खावा खां, क्योंकि जो शिवसेना को लेकर लड़ाई भी उससे बीजेपी के वोट शेयर कटेंगे ऐसा कई लोगों ने कहा था, क्योंकि बीजेपी की एक साफ छवि थी, लेकिन शिंदे और उद्धव की लड़ाई के बीच हाथापाई और काफी जुबानी जंग भी हुई जिससे बीजेपी को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। राज ठाकरे ने भी यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं शिंदे और उद्धव की लड़ाई देखकर जनता भी ऊब चुकी है। ये सारी बातें जब जब सामने आई तो हर कोई सुनकर दंग था, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये कैसे हकीकत के तौर पर देखा जा रहा है इस बात को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बच्चू कडू के प्रहार के तौर पर यहाँ पर यानी जो आक्रामक नेता कहे जाते हैं उनका प्रहार का सामना कैसे करेगा शिंदे गुट, क्यों एकनाथ शिंदे खासकर, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पर कैबिनेट में जगह। अब यूज एंड थ्रो की बात की गई तो ये भी कहा गया था कि बीएमसी चुनाव तक शिवसेना के मुखिया रहे, कभी नेता रहे, मुख्य नेता एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया जाएगा और जब बीएमसी चुनावों में जीत हासिल कर लेगी बीजेपी तो एकनाथ शिंदे को पीछे कर दिया जाएगा। और ये भी समझिए कि अब जो उपचुनाव की स्थिति बनी है अंधेरी सीट पर, वहां पर अगर बीजेपी जीत जाती तो उनके पास तो बीजेपी की तरफ से एक और विधायक हो जाएगा, तो वहां पर बढ़त किसकी हुई? बीजेपी की। तो ये सारे समीकरण बनते नजर आ रहे जो रिपोर्ट्स के माध्यम से दावा किया गया था। तो विधायकों का यहाँ पर शिंदे के खिलाफ खुली धमकी कि अगर कैबिनेट पद नहीं दिया गया तो 2.5 साल बाद तो फिर भी मिलेगा, उसके बाद आपका जो होगा वो देखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर खुली चेतावनी यहाँ पर बहुत ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है शिंदे के लिए पूरा मामला। दो तलवार और एक ढाल उनको जो निशान दिया गया और उद्धव ठाकरे गुट को जो निशान मिला मसाल का, बीजेपी के नेताओं को कहना है कि मसाल वो एक आइसक्रीम का कोन है, और यहाँ पर उद्धव गुट का ये कहना है कि दो तलवार और ढाल का इस्तेमाल यानी कि चोरी चपाटी और जिस तरीके से धोखेबाजी गद्दारी कर इन्होंने सरकार बनाई उसके लिए ये सही है, क्योंकि इनको ढाल की जरूरत पड़ेगी। जितने इनके ऊपर गालियों की बौछार, जितना इनके ऊपर कह सकते हैं कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी बातें अब लगातार की जा रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर अब क्या चर्चाएं सामने आती है, किस तरीके से यहाँ पर जो इस सीट पर चुनाव हो रहा है वहां पर किसकी जीत होगी, क्या शिंदे को आना चाहिए था या नहीं, या शिंदे किस वजह से नहीं आया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।